वो जिन जिन के नंबर मेरे इसमें नहीं मीडिया में मुझे दे देना है। इंदौर निवासी एक शिक्षिका युवती जो सुदामा नगर की निवासी हैं, उन्होंने वर्ष 2018 के सितंबर माह में राज्य साइबर सेल के पिपरलियाना स्थित ऑफिस में आकर शिकायत की थी कि उनको व्हाट्सएप पर एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से अश्लील मैसेज और अश्लील वीडियो कॉलिंग हो रही है। और वो जो नंबर डिस्प्ले होता था अंतर्राष्ट्रीय नंबर, वो अगले दिन स्विच ऑफ हो जाता था और फिर उसके एक दिन बाद एक नए नंबर से उनको इसी तरह की घटना उनके साथ लगातार हो रही थी। जब वो हमारे पास आई थी उस समय तक लगभग 8 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय नंबर उपयोग हो चुके थे। तो इसकी जब हमने जांच की और इसकी जांच को जब आगे बढ़ाया तो हमने ये पाया कि ये व्हाट्सएप पे अमेरिका के नंबर जो डिस्प्ले हो रहे हैं उनसे ये घटना की जा रही है। घटना की जब आगे विवेचना की गई तो विवेचना के दौरान हम एक आरोपी तक पहुंचे जिसका नाम रोनित सोनी है, जो मूलतः बिजोलिया कोटा का निवासी है और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग का एक क्लास में अध्ययनरत है कोटा में। उसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया कि उसने एक ऐसी एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डाउनलोड की थी जिससे वर्चुअल नंबर सेलेक्ट किए जा सकते हैं और उन वर्चुअल नंबर से व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया जा सकता है और उनसे फिर कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेज वीडियो मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। रोदिंत ने पूछताछ में यह भी बताया है कि वो एडल्ट फिल्मों के दुष्प्रभाव में आकर इस तरह का कृत्य कर रहा था और उससे अभी प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है। सर कैसे पहुंचे आप इस तक? इसमें हमने जो तकनीकी सहायता है वो व्हाट्सएप से भी तकनीकी सहायता हमको प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर हमने आरोपी। सर ये व्हाट्सएप कॉलिंग करता था या फिर वॉइस कॉलिंग करता था, क्या करता था? ये व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करता था। कितने समय तक परेशान कर रहा था ये पिछले लगभग आप मान लें सितंबर से अभी तक देख लें तो पिछले 3 महीने से लगातार परेशान कर रहा था और लगातार नंबर बदलता रहता था। चल और भी लड़कियों को परेशान किया था? हाँ, ऐसा पूछताछ में इसने बताया है कि रैंडमली नंबर सिलेक्ट करता था व्हाट्सएप पे लड़कियों की जो डीपी होती थी उसको देखकर ये रैंडम नंबर सिलेक्ट करता। तो क्या माना जाए सर डीपी रखना भी आज की तारीख में? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। डीपी को अगस्त में, इसने अगस्त माह में इंस्टॉल किया बनाया है लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा सर। पिछली बार तो अच्छी स्टोरी थी। और सर ये साइबर वाले को सर